बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सरबराहे शोबा दमागो नफ्सियात के आजमूदा वजीफ़े। फुल टाइम नौकरी मिली, वजीफ़ा पढ़ा तो पार्ट टाइम भी मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। मैंने सिर्फ 3 मरतबा अफहसिबतुम और अजान का अमल पढ़ा, मुझे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। अबकरी रिसाला से ताल्लुक़ ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ अर्सा ही हुआ है इस रिसाला से आशनाई हुई है। मैंने अबकरी रिसाला पहली मर्तबा अपनी हमसाई के घर पढ़ा था। पेशा के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी सैलरी से मुतमईन ना थी और इसे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर हस्पताल वाले बढ़ाने पर रजामंद ना थे। अबकरी रिसाला से अफहसिबतुम और अजान वाले अमल का मालूम हुआ। मैंने इस दिन बैठे बैठे सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ा और इसके साथ दूसरा वजीफ़ा जो मैंने अबकरी ही में पढ़ा था, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 भी पढ़ी, मुझे एक जगह बेहतरीन नौकरी मिल गई। अब मुझे पार्ट टाइम नौकरी की ज़रूरत थी। चंद दिन यही दर्जे वाला वजीफ़ा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक और छोटी सी नौकरी मिल गई है जिससे अब मैं बजट के अलावा भी बेहतरीन बचत कर सकती हूँ। इन वज़ाइफ़ की बरकत हैं कि अब मैं अपनी दोस्त डॉक्टर की गाड़ी में कॉली जाती हूं और इनके पेट्रोल में हिस्सा डालती हूं, इससे हम दोनों की बचत होती है। पेंशन के मसाइल आजमूदा अमल से हल। मेरी इसी दोस्त डॉक्टर की पेंशन के काम फंसे हुए थे, जब भी हम इनकी पेंशन का काम करने जाते थे मैं सारे रास्ते अफहसिबतुम और अजान वाला अमल पढ़ती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनको पेंशन मिल गई, जबकि पेंशन सरकारी दफ्तरों से निकलवाना जान जोखों का काम है, खास तौर पर जिसके पास कोई सिफारिश और रिश्वत ना हो। अफहसिबतुम और अजान का अमल का तरीका ये है कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात और अजान साथ साथ मर्तबा पढ़कर अपने दोनों कंधों पर दम कर लें, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, तसव्वुर में किसी को दम भी कर सकते हैं। इंतहाई तीर बहदफ अमल है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी बीमार के पास बैठकर करना है और वो बीमार आपको इजाज़त भी देता है, तो आपने पहले दाएं कान में दम करना है और फिर बाएं कान में दम करना है, और जो कंधों वाला तरीका है वो नॉर्मल किसी भी आपके प्रॉब्लम के लिए है। और अगर कोई मरीज़ आपसे नहीं कराता तो भी आप तसव्वुर में ये कंधों वाला अमल कर सकते हैं। ज़िंदगी के हर शोबा के मसाइल के लिए पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर जादू जिन्नात के मामले में बहुत से लोग इस अमल की बरकत से शिफा पा चुके हैं। जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा फ़ायदा। कोशिश करें कि दिन में हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ये अमल कर लें। याद रखिएगा, इसमें अजान देनी नहीं होती, अजान सिर्फ 7 बार पढ़नी होती है, और अफहसिबतुम की 4 आयात जो अफहसिबतुम से शुरू होती हैं और अरहमर राहिमीन पे ख़त्म होती हैं, ये भी आपने 7 मरतबा पढ़नी होती हैं। अव्वल और आखिर कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। हादिसात और नुकसानात से हिफाजत के लिए मेरा आजमूदा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। मेरा ये रोज़ाना का मामूल है कि मैं अपने घर मेके और ससुराल के तमाम अफराद की और इनकी तमाम मादी चीज़ों की भी नियत से रोज़ाना 313 मरतबा या हफीज़ों या सलामों ज़रूर पढ़ती हूँ, और अल्लाह ताला के करम से हर तरह के हादिसात और नुकसानात से हिफाजत रहती है, और अपनी आमदनी का 2.5% ज़रूर निकालती हूँ। जो पैसा हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते वह नुकसानात और बीमारियों की सूरत में निकलता है, और साथ तकलीफ़ और ज़हनी अज़ियत और कोफ्त होती है। 2.5% निकालना ज़िंदगी का मामूल बना लें। नोट कर लें कि ये 2.5% ज़कात के अलावा है, और आपने ये ज़कात की नियत नहीं करनी, हमेशा 2.5% को आपने हैरात की नियत करके देना है। और 313 मरतबा या हफीज़ों या सलामों को भी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हमेशा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अपना आजमूदा और जिस जिस को बताया सब ने फ़ायदा पाया है। हवातीन हर हालत में ये अमल कर सकती हैं। माली जिस्मानी रूहानी ला इलाज मसाइल का हल। मेरा एक और आजमूदा अमल कारीन की हिदमत में है कि मेरा रोज़ाना का मामूल है और जिस जिस को भी बताया उसने फ़ायदा पाया है। घर में एक जार या बॉक्स डिब्बा रखें और इसमें रोज़ाना सदका की नियत से कम अज़ कम 1 नोट ज़रूर डालें। वो नोट हसब तौफीक हो, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 या 1000, जितनी आपको आसानी और सहूलत हो।
जब जार भर जाए तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। कोई भी मसला दरपेश हो, रोज़गार का, रिश्तों का, घरेलू झगड़े, औलाद की नाफरमानी, रिज्क में कमी, नज़रबद, जादू, जिन्नात, हासिदीन और दुश्मनों के शर, लाइलाज बीमारी, कोई भी मसला हो तो इसकी नियत से भी रोज़ाना एक नोट ज़रूर डालें। ज़्यादा मसाइल हो तो हर मसले की नियत से एक एक नोट डालें, फौरन फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। मगर मुकम्मल हल तक जारी रखें और सारी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हर मुश्किल और मुसीबत आने से पहले दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर फ़ायदा कम मिल रहा हो तो नोट की तादाद या कीमत बढ़ा लें। या कादिर हो या नाफे हो, हर परेशानी में मुअस्सर और करामत। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं कारीन अबकरी से या कादिरों या नाफियों का रूहानी फैज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक मर्तबा यूँ हुआ कि मेरी अम्मी ने कहीं जाना था तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ चलना है। मेरा घर तिला गंग में ही है मगर अम्मी के घर से ज़रा फासले पर है। मैंने इनसे कहा कि आप इधर से आ जाएं और स्टॉप पर उतर जाना, जहाँ से फिर हमें दूसरी गाड़ी लेनी थी। मगर अम्मी ने नहीं समझा और अम्मी दूसरे स्टॉप पर उतर गई जो दरमियान में था। अब मैं वहाँ दूसरे स्टॉप पर इंतज़ार करते करते हैरान परेशान काफ़ी वक्त गुजर गया। अब मैंने या कादिरो या नाफियो पढ़ना शुरू कर दिया। अब जहाँ मेरी अम्मी खड़ी थी वहाँ वो मेरे लिए परेशान थी। मेरी अम्मी के पास फ़ोन भी नहीं था। घर रابطہ करने पर घर वालों ने बताया कि वो तो काफ़ी देर निकली हुई हो गई है, उन्हें निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अब सबको परेशानी लाहक हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे शोहर साहब पौधों के लिए मिट्टी लेने, जो इनको अम्मी के घर लगे हैं, नर्सरी पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुदरतन इस नर्सरी से मिट्टी नहीं मिली तो वो बोले कि एक आगे और नर्सरी है, इससे ले आता हूँ। रिक्शा लेकर दूसरी नर्सरी पर जा रहे थे कि आगे अम्मी जान खड़ी थी। उन्होंने पहचान लिया और बोले कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। फिर मेरा बताया कि हम दोनों ने जाना था, मेरे मियाँ ने मुझे फ़ोन किया और मैंने बताया कि मैं दूसरे स्टॉप पर परेशान खड़ी हुई थी। फिर मेरी अम्मी को रिक्शे पर बिठाकर वहाँ मेरे पास ले आए और हैरान हो रहे थे कि हमने इस नर्सरी पर जाना ही नहीं था लेकिन मुझे इत्तफाकन वहाँ जाना पड़ गया। मैंने बताया कि मैं या कादिरो या नाफियो पढ़ रही थी। सब ने कहा कि ये इसी का कमाल है। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।